और बबलू आपस में बातचीत कर रहे थे। अरे मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है, हर साल की तरह इस साल भी हमारे जंगल में मेला आया है। सुना है पिछले साल के मुकाबले इस साल का मेला बहुत बड़ा है। हाँ, पापा कह रहे थे कि इस साल बड़े बड़े झूले भी आए हैं। चलो हम भी जाकर आते हैं मेले में। हाँ हाँ चलो। ना बाबा, मैं नहीं आऊँगा। माँ ने मुझे अकेले बाहर घूमने से मना किया है। माँ ने कहा था, टीलू बेटा, जब भी मैं अनाज लाने के लिए और पापा काम के लिए बाहर गए होंगे, तब तुम्हें घोंसले के अंदर ही रहना है। अकेले कहीं बाहर नहीं जाना है। क्यों मम्मी, मैं अकेले बाहर क्यों नहीं जा सकता? अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और उड़ भी सकता हूँ। टीलू मेरे बेटे, अभी भी तुम छोटे हो, तुम्हें जंगल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। और जंगल में बड़े बड़े शिकारी पंछी भी घूमते रहते हैं, उनसे तुम्हें खतरा है बेटा। अब तुम्हारे समझ में आ गई ना मेरी बात? ठीक है मम्मी, तुम्हारे और पापा के गैर हाजिरी में मैं घोंसले में ही रहूंगा। मेरा प्यारा और समझदार बेटा। फिर भी मैं तुम दोनों से मिलने यहाँ पर आया हूँ। अरे डरपोक, कुछ भी नहीं होगा। हमारे भी मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं और मेले में मेरे पापा ने आइसक्रीम का ठेला लगाया है। पहले हम पूरा मेला घूमेंगे और वापस आते आते आइसक्रीम खाएंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो चलते हैं। जैसे तैसे करके मुन्ना और बबलू टीलू को मना लेते हैं और उसे मेले में लेकर आते हैं। तीनों मेला घूम रहे थे। घूमते घूमते तीनों एक बड़े से झूले के पास आ जाते हैं। झूले का मालिक एक चील था। आइए आइए, झूले में बैठकर आसमान की सैर कीजिए। 10 चक्कर के लिए सिर्फ 1 अनाज की बोरी। आइए जल्दी आइए। तभी टीलू ने चील से कहा, अंकल अंकल, हमें भी झूले में बिठाओ ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, लाओ 1-1 अनाज की बोरी। लेकिन हमारे पास तो अनाज की बोरियाँ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अनाज नहीं तो झूले के चक्कर भी नहीं। प्लीज अंकल, बैठने दीजिए ना हमें। एक बार बताने से तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्या? अनाज नहीं तो झूले के चक्कर भी नहीं। अभी जल्दी से खिसको यहाँ से, नहीं तो मैं 1-1 को खा जाऊंगा। चील बच्चों को डरा देता है, बच्चे भी डर जाते हैं और वहाँ से भागकर कालू कौवे के आइसक्रीम के ठेले के पास आ जाते हैं। अरे तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुन्ना सारी बातें अपने पापा को बता देता है। पापा, हमें झूले में बैठना है। बेटा मुन्ना, अभी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आए हुए हैं। मैं दुकान छोड़कर नहीं आ सकता। अभी के लिए तुम तीनों घर जाओ। शाम को घर आते आते मैं अनाज लेकर आऊंगा और गौरी से बोल दूंगा, वो कल तुम्हें मेले में लेकर आएगी। तब तुम सब झूले की सैर करना। कालू तीनों को आइसक्रीम खिला देता है। बच्चे आइसक्रीम खाकर वापस जंगल में आ जाते हैं। चलो मैं तो कल मेले में जाकर खूब मजे करूंगा। मैं भी अभी घर जाकर माँ से कह दूंगा। हाँ हाँ, मैं भी माँ से कहूंगा। तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम होते ही सारे पक्षी अनाज लेकर अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। माँ, हमारे जंगल में मेला आया है और मेले में बहुत बड़े बड़े झूले भी आए हुए हैं। मुझे झूले में बैठना है माँ। मेरा राजा बेटा, तुम्हारे पापा थोड़ी देर पहले ही अनाज की बोरियां लेकर आए हैं। कल सुबह होते ही हम दोनों मेले में जाएंगे। माँ, मुझे मेले में जाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा बेटा नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। इधर टीलू भी अपनी माँ से मेले में जाने के लिए जिद करता है। टीलू बेटा, अभी तो हमारे पास बस थोड़ा ही अनाज बाकी है और पापा भी अभी तक घर नहीं आए। उनके आते ही मैं उनसे बात करूंगी। लाड़ो ने जैसे तैसे करके टीलू को समझा दिया। ये
कल मैं मेले में जाऊंगा। मुझे माफ कर दो टीलू, मैं तुम्हें मेले में लेकर नहीं जा सकती। सुबह होते ही रानो और बबलू गोरी के घोंसले के पास आ जाते हैं। चलो बहन, अब हम लाड़ो के घोंसले के पास चले जाते हैं। वहाँ से लाड़ो और टीलू को साथ लेकर हम मेले में जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है उस कलमुही लाड़ो के पास जाने की। अगर हम उसे लेकर जाएंगे तो सारा खर्चा हमें ही उठाना पड़ेगा, गरीब कहीं की। टीलू के नींद से जागने से पहले ही लाड़ो अनाज लाने के लिए घोंसले से बाहर गई थी। जब टीलू नींद से जाग गया तब उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ, माँ तुम कहाँ हो? लगता है माँ अनाज लाने के लिए चली गई है। इधर रानो और गोरी बबलू और मुन्ना को लेकर मेले में आ जाते हैं। आते ही दोनों झूले में बैठने की जिद करते हैं। रानो और गोरी उन दोनों को झूले में बिठा देती है। जैसे जैसे झूला घूमने लगा बबलू और मुन्ना को बहुत मजा आने लगा। ये मम्मी, मुझे बहुत मजा आ रहा है। रानो चिड़िया मन से बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसने लाड़ो के बेटे टीलू के लिए एक खिलौना खरीद लिया। दिन भर मेला घूमकर शाम होते होते रानो, गोरी, बबलू और मुन्ना जंगल में वापस आ जाते हैं। चारों लाड़ो के घोंसले के पास से गुजर रहे थे, तभी गोरी जानबूझकर लाड़ो के घोंसले के पास रुक जाती है। टीलू घोंसले के पास ही खेल रहा था, तभी गोरी ने टीलू से कहा, क्यों रे टीलू, तुम लाड़ो को लेकर आज मेले में नहीं आए? कहाँ है तेरी माँ? माँ अनाज लाने के लिए घर से बाहर गई है। माँ के आते ही मैं मेले में जाऊंगा। बबलू और मुन्ना टीलू को दिन भर मेले में किए हुए मस्ती के बारे में बताते हैं। तुम्हारे घर में तो खाने के लिए अनाज नहीं है और तुम गरीब झूले में बैठने के सपने देख रहे हो। अरे गोरी, इतना भी मत बोलो बेचारे को। टीलू बेटा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लेकर आई हूँ। टीलू खिलौना ले लेता है। ये सारा नजारा मीनो मौसी पास वाले पेड़ पर बैठकर देख और सुन रही थी। वो उनके पास आ जाती है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए गोरी, तुम इस बेचारे टीलू को बेवजह सुना रही हो। तुम्हें इसके साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, वो अभी छोटा बच्चा है। अगर तुम इसके साथ ऐसे बातें करोगी तो उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? ये बहुत गलत बात है गोरी। रानो, तुमने खिलौना लाकर अच्छा किया, कम से कम टीलू को थोड़ा तो अच्छा महसूस हुआ। चलो मुन्ना, यहाँ से चलते हैं। चलो चलो। रानो भी बबलू को लेकर अपने घर चली जाती है। बेटा टीलू, चलो मैं तुम्हें मेला घुमाने लेकर चलती हूँ। टीलू मीनू मौसी के साथ मेले में चला जाता है। अरे ओ चील के बच्चे, मेरे टीलू को झूले में बिठा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ एक अनाज की बोरी। एक क्या, 10 बोरियां ले ले, लेकिन जब तक उसका मन नहीं भरता उसे झूले से नीचे मत उतारना। चील टीलू को झूले में बिठाता है। टीलू झूले में बैठने की बहुत जिद कर रहा है और घर में तो थोड़ा भी अनाज नहीं है। अब हम क्या करें? आप राजा जी से थोड़ा अनाज उधार क्यों नहीं लेते? अरे लाड़ो, मैं पहले से ही राजा जी से बहुत सारा अनाज उधार ले चुका हूँ, अब राजा जी मुझे अनाज नहीं देंगे। लाड़ो चिड़िया उदास हो जाती है और घर वापस आ जाती है। देखती है तो क्या, टीलू घर पर नहीं था। उसने टीलू को बहुत ढूंढा लेकिन उसे आसपास कहीं पर भी टीलू नजर नहीं आया। कहीं टीलू अकेले तो मेले में नहीं चला गया? लाड़ो एक सेकंड का भी वक्त ना गवाते हुए मेले में आ जाती है। उसे टीलू कालू के ठेले पर आइसक्रीम खाते हुए दिख जाता है। उसके साथ मीनू मौसी भी थी। अपने बेटे को देखकर उसके जान में जान आ जाती है। टीलू बेटा, तुम यहाँ पर कैसे आए?
टीलू माँ को सारी बातें बताता है। नीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं लाड़ो, आखिर टीलू मेरे पोते जैसा है। तभी वहाँ पर रानू और गोरी आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो टीलू, मुझसे गलती हो गई। चलो मेरी तरफ से मैं तुम्हें रिमोट वाली गाड़ी में बिठाती हूँ। ये सब देखकर लाड़ो चिड़िया की आंखें भर आ जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाता है। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।